हाय, तो आज के वीडियो का थंबनेल और टाइटल देखकर तो आपको पता ही चल गया होगा कि आज के वीडियो में क्या होने वाला है। तो आज मैंने सोचा है कि मैं व्लॉग बनाऊंगी पूरे दिन का कि आज मैंने क्या क्या किया, और आज मैं बाहर जाने वाली हूँ इसलिए आज मैंने व्लॉग बनाने का सोचा, क्योंकि आज मेरे शहर में होने वाला है एयर शो और जिसका मुझको पास मिल गया है, तो मैं आज एयर शो देखने जा रही हूँ। और मैं आपसे कहूँगी कि वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो लास्ट में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। हाँ, अगर मुझको पास नहीं मिलता तो शायद मैं नहीं जाती, लेकिन पास का अरेंजमेंट हो गया इसलिए मैंने प्लान किया है कि मैं जाऊँगी। तो मॉर्निंग की शुरुआत हुई रोज़ की तरह लेमन हनी वाटर के साथ में, और इसके बाद मैंने सभी के लिए ब्रेकफास्ट बनाया। तो आज ब्रेकफास्ट में मैंने बनाया है रागी डोसा। हाँ, मेरे घर में ना डोसा सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बस डोसा का टाइप चेंज होता रहता है, कभी मूंग डोसा, कभी रागी डोसा, कभी रवा डोसा, कभी मसाला डोसा, और आज ना शायद लगातार तीसरा दिन है जब हम डोसा खा रहे हैं। तो ये डोसा ना बहुत ही सिंपल तरीके से बनता है, बस आपको लेना है रागी का आटा और इसमें ना डाल लीजिए थोड़ा सा राइस फ्लावर, इसको थोड़ा सा क्रिस्पी करने के लिए, चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, बस आप इसमें थोड़ा सा रवा डाल लीजिए, और इसके बाद अपने पसंद की वेजीज। तो नॉर्मली मैंने इसमें अनियन, ग्रीन चिली, जिंजर और कोरिएंडर लीव्स डाला है, और बस साल्ट डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसका डोसा बना लीजिए, और ये रेडी है हमारा ब्रेकफास्ट। तो पहले मैंने सभी को दिया है ब्रेकफास्ट और अब मैं भी जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने। और सच में ना ये डोसा ना बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, और हेल्दी होने के साथ साथ ना बहुत ही ज़्यादा यम्मी है। और साथ ही मैंने इसके बनाई है पीनट चटनी दही के साथ में, और ये चटनी ना इसके साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। मेरे घर में नॉर्मली ज़्यादातर डोसा के साथ में यही चटनी बनती है, तो एक बार ना आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, और बहुत जल्दी ही मैं इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी। और अब 12 बज चुका है तो मैंने जल्दी से अपने सारे काम निपटा लिए हैं, और क्योंकि हम 1 बजे तक घर से हर हाल में निकलना चाहते हैं ताकि हम वहां पर टाइम पर पहुंच जाएं। तो अब मैं होने जा रही हूं रेडी। तो पहले ना मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या वेयर करूं, लेकिन फिर मैंने डिसाइड किया कि अभी दोपहर है और गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है, तो मैंने सोचा है कि मैं ये वाइट कलर का ड्रेस वेयर करूँगी, और होपफुली ही ये ड्रेस ना काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो अभी ना मेरे रूम में लाइट्स काफ़ी कम है, तो मैं ना ये कर्टन हटाती हूँ, और कर्टन हटाने का भी कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ। तो जब भी मुझे नॉर्मली बाहर जाना होता है तो मैं अपने हेयर ओपन रखती हूँ, क्योंकि मुझे कोई भी हेयर स्टाइल बनाना नहीं आता है, और हेयर स्टाइल के नाम पर मुझे सिर्फ इतना ही आता है कि मैं अपने हेयर ओपन कर सकती हूँ। लेकिन अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है तो मैंने इसका विचार भी त्याग दिया है, और बस इस ड्रेस के साथ में मैंने कैरी करी है वॉच, और मैं हो चुकी हूँ रेडी। वैसे रेडी होने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता, और 1 मिनट में आपको कुछ दिखाती हूँ। तो ये है मेरी क्यूट सी डॉल जो कि मुझको अभी गिफ्ट में मिली है, मेरी दीदी ने दी है। मैं बहुत दिनों से लेना चाह रही थी लेकिन मैं ले नहीं पा रही थी, और उनको पता था कि मुझे चाहिए, क्योंकि इन सब चीज़ों को लेकर मेरे घर में मेरी डांट पड़ती है कि तुम कोई छोटी बच्ची हो क्या। तो ये रहा मेरा फाइनल लुक, और अब हम निकल चुके हैं हमारे एयर शो के लिए, और ये रहा मेरा पास। तो जैसे ही हम घर से निकले और थोड़ी दूर जाने पर ही हमें पता चल गया कि बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है, आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा भीड़ है। और बस किसी तरह हम वहाँ पर पहुँच गए। हाँ, जहाँ से पास लगना था वहाँ पर ट्रैफिक बिल्कुल ख़त्म हो गया था, और ये शुरू हो चुका है हमारा एयर शो। विंग कमांडर राहुल पुनिया एंड व्यू द टाइगर मॉथ इज द बाइप्लेन विद एन ओपन कॉकपिट बीइंग फ्लोन बाय विंग कमांडर अमित धोपावकर। Which
flies together. Go like a dolphin in the ocean, surrounds in dolphins elite. There goes number 4, joining up with us. Do not shift your gaze, ladies and gentlemen, for a stall turn. और अब 6000 फीट की ऊंचाई से वापस धरती की ओर आते हुए ये ऐसे लग रहे हैं मानो आसमान से टूटते तारों की तरह। और इसके बाद 2 से 3 घंटे ट्रैफिक में फंसे रहने के बाद हम अपने घर आए 7:30 बजे और इसके बाद हमने चाय पी और मैच देखा और खाना बनाने का मन नहीं था तो खाना भी आज बाहर से ऑर्डर कर लिया। और ये रहा आज का हमारा व्लॉग। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसके बाद अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इंजॉय, बाय बाय।